दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख पाओगे हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी सेव है कैमरा नंबर 4 की और कैमरा नंबर 3 की। और इसको अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी जो वीडियो है वो आसानी से प्ले हो रही है, और कैमरा नंबर 3 की दिखाएं तो उसकी भी वीडियो हमारी आसानी से प्ले हो रही है। अगर आपको ये वीडियो किसी को अगर ये वीडियो क्लिप आपको किसी को शेयर करनी है या फिर आपको कोई किसी और पर्पज के लिए आपको सेव करके रखनी है तो आप इस पेन ड्राइव में हमारी जिस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से आप सेव करके रख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सीपी प्लस जो DVR है उसकी रिकॉर्डिंग को आप पेन ड्राइव में कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले रखी है एक पेन ड्राइव है और ये हमारा सीपी प्लस का DVR है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग को आज हम इस पेन ड्राइव में सेव करेंगे। जैसे आपके मान के चलो आपको इस रिकॉर्डिंग को किसी और आगे सेंड करना है या फिर आपको कोई ऐसा सीन है जिसको कैप्चर करके रखना है या फिर किसी भी कारण से आप उसकी रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उसी टॉपिक पर होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा एक पेन ड्राइव ले लेनी है और पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा के उसको फॉर्मेट कर लेना। फॉर्मेट किस मेथड से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मेट लगाता हूँ पेन ड्राइव को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी पेन ड्राइव है वो अपने सिस्टम के अंदर लगा दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने पहले इसको विंडोज 11 की बूटेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इसको यहाँ पे फॉर्मेट करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे फैट 32 बिट्स हमारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको आप चेंज करना चाहो नाम को इसको चेंज कर सकते हो और यहाँ से इसको फॉर्मेट कर देना है इस पेन ड्राइव, ठीक है। सेम इसके बहुत ही आसानी तरीके से आपकी पेन ड्राइव है फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये हमारी पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो चुकी है, तो ठीक है पेन ड्राइव फॉर्मेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे DVR पे और जानते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको निकालनी कैसे है, ठीक है। तो इस पेन ड्राइव को हम लगाते हैं हमारे जो DVR है उसके पीछे USB पोर्ट देते हैं। दो कंपनियां दो पोर्ट देती है, एक हमारे माउस के लिए होता है और एक सिंपली हमारे जो बैकअप लेने के लिए जो होता है वही होता है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा इस पेन ड्राइव को DVR में लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पेन ड्राइव है वो हमारे DVR में लगा दी है और इसकी स्क्रीन भी आपके सामने शो हो गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा बैकअप लेने का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से बैकअप ना ले क्योंकि यहाँ से इसके प्रॉपर फंक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं आते, सिंपली आपको करना क्या होगा राइट क्लिक करके वापस आ जाना है। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको जो रिकॉर्डिंग निकालनी है उसको आपको सर्च करना है भाई। जैसे मान के चलो मेरे को कोई भी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालनी है उसको मेरे को सर्च करना है। यहाँ पे सर्च जाना है और यहाँ पे मेरे को जो भी आपके डिवाइस के पासवर्ड है वो आपको लगा लेने हैं और यहाँ पे कैमरा नंबर सेलेक्ट करके और रिकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। जैसे मान के चलो मेरे को 22 या कोई सी भी 21 तारीख की यानी कल की रिकॉर्डिंग निकालनी है या फिर आपको और लेट की निकाल सकते हो, जैसे 19 तारीख की, जितने दिन की भी आपकी सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको निकालनी है। तो आपको सिंपली यहाँ से आपको माउस लेके जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे ये जो हमारा जो टाइम जोन है 0 से लेके 24 घंटे तक का, और जहाँ पे आप माउस लेके जाओगे वहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। जैसे मान के चलो मेरी 12 या 1 बजे की रिकॉर्डिंग है तो सिंपली मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा और 1 बजे पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कैमरे है वो चल चुके हैं और सिंपली कोई रिकॉर्डिंग में यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग आपको निकालनी कैसे है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरी है कि भाई 19 तारीख की जो रिकॉर्डिंग है उसको निकालते हैं और इसकी साइज की अगर हम बात करें इसके टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मान के चलो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा भाई 1:00 से लेके 1:05, मान के चलो मेरा कोई सीन है इसमें कैप्चर हो रहा है या फिर आप देख सकते हो डबल क्लिक करके कोई सा कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ पे कैमरा नंबर भी आपको नोटिस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैमरा नंबर लिख के आ रहा है 1 नंबर 2 नंबर जो भी आप देख पाओगे यहाँ पे कैमरा नंबर आ रहा है। इस चीज को आपको अगर एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग है यानी कि एक वीडियो से ज्यादा फुटेज आपको निकालनी है, जैसे मान के चलो 2 या 3 दिन की रिकॉर्डिंग निकालनी है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको एक पेन ले लेना है, उसमें लिखना है आपको जिस तारीख की भी आपको रिकॉर्डिंग निकाली है। मान के चलो जैसे 19/6/2024 की रिकॉर्डिंग निकालनी है, लेकिन वहाँ पे आगे लिखना कितने नंबर कैमरे की निकालनी है, भाई 3 नंबर कैमरे की निकालनी है, 4 नंबर की निकालनी है, फिर उसके आगे आपको लिखना है कितने टाइम की निकालनी है यानी कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। ये सारा प्रोसेस हमारा आगे काम आएगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो सिंपली हम करना क्या होगा, जैसे मान के चलो मेरे को निकालनी, तो वापस से मैं एक बार चेक करता हूँ भाई किस समय की मेरे को रिकॉर्डिंग निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली जो भी डेट की रिकॉर्डिंग आपको निकालनी है, जैसे मान के चलो अब यहाँ पे आपने 13-12 तारीख या फिर 21 तारीख की देख ली आपने, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी और डेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लिक नहीं होगा। तो आपको एक बार सिंपली राइट क्लिक करना होगा, उससे ये बैक आ जाएगा और वहाँ पे जिस भी डेट की रिकॉर्डिंग निकालनी है जैसे उस पर डबल क्लिक कर दे, जैसे 18 की निकालनी है डबल क्लिक करके और यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर दें जिस टाइम की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है वो चालू हो चुकी है। जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे 21 तारीख की रिकॉर्डिंग आपको निकाल के दिखाऊं, तो 21 तारीख की हम निकालेंगे 1:00 से लेके 1:05 तक की,
ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ हमने बताई वो समझ ली है, जिसकी रिकॉर्डिंग निकालनी है, जिस टाइम की निकालनी है और जिस डेट की, जिस कैमरे नंबर की आपको निकालनी है, वो चीज़ सामान के चलो आपको याद है, आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर आपको चले जाना है। मेन मेन्यू के अंदर जाने के बाद सिंपली यहाँ पे नॉर्मल जो वीडियो का आइकन है यहाँ पे आ जाना है, अगर दाएं बाएं कहीं भी क्लिक हो तो सिंपली वीडियो के आइकन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे चले जाना है। बैकअप के ऑप्शन दिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपकी जो पेन ड्राइव है, जितने भी जीबी की पेन ड्राइव है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्यों क्लिक करना है, इसका हमें एक स्पेशली फोल्डर बनाना होगा, ये जरूरी है। जैसे आप कोई और रिकॉर्डिंग इसमें ऐड करो तो ये मिक्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद मान के चलो मैं 21 तारीख की जो रिकॉर्डिंग है वो निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 21 माइनस का चिन्ह लगा दें, क्योंकि मैं माइनस चिन्ह के अलावा यहाँ पे कोई शो साइन नहीं करता ये, तो यहाँ पे 06 और यहाँ पे फिर से माइनस का चिन्ह लगा के 2024, ठीक है। इस तारीख की ये रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे इसमें, तो टाइम वगैरह की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक ही दिन की अगर एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग होगी तो भी कोई मिक्स होने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा हमारा, तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये फोल्डर है वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है स्टोरेज के रूप में। अब सिंपली हमें क्या करना हो, जिस भी कैमरे की निकालनी है, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर रिकॉर्ड पे चले जाए, जिस भी कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग निकालनी है, जैसे आल की सभी की निकालनी है तो बहुत अच्छी बात है, सारी आल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मान के चलो आपको 4 नंबर कैमरे की निकालनी है, 3 नंबर कैमरे की, जो भी आपको निकालना है वो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाए या टाइप को उसको ऑल रहने देना है। अगर आप मोशन वगैरह में आपके जो DVR में रिकॉर्डिंग होती है तो अलग बात है, मोशन में आप रिकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली जिसका टाइम आपको पता है वो कर सकते हो, तो यहाँ पे टाइम डाल देना आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार्ट टाइम ये हो गया जिस तारीख की आपको रिकॉर्डिंग निकालनी, जैसे मेरे को निकालनी है 21 तारीख की, तो यहाँ पे मैं 21 सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे समय आ गया, समय के मैं अंदर क्या करना है, यहाँ पे 13 कर देने हैं और यहाँ पे इसको PM कर दे, क्योंकि 13 बजे यानी कि सॉरी 12 हो गए, ये मेरा टाइम जोन यहाँ से 13 पे नहीं जा रहा, तो सिंपली यहाँ पे 01 कर देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि वहां पे मेरा जो टाइम जोन है वो 24 घंटे का दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है फीड में 12 घंटे का हो, इस वजह से आप यहाँ पे 1 बज के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड टाइम में आपको करना है जैसे 22 तारीख की जगह 21 कर देते हैं, क्योंकि हमें 21 तारीख की रिकॉर्डिंग निकालनी है, और यहाँ पे 01 करके जो 5-7 मिनट जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है उसका टाइम डाल देना है। यहाँ पे मैं 05 डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को 5 मिनट की रिकॉर्डिंग चाहिए, और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते, सेकंड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे इसको PM कर देगी। वीडियो दोस्तों यहाँ पे लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको प्रॉपर हम इस चीज के बारे में पूरा समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है फाइल फॉर्मेट पे यहाँ पे DAV लिख के आ रहा है, तो इसको DAV रहने देना है, या फिर आपके जो DVR है उसके अंदर अगर MP4 फॉर्मेट सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपका MP4 फॉर्मेट आएगा, तो सिंपली आप MP4 पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को निकाल सकते हो, ठीक है। कोशिश कर रहा है कि आपके जो DVR है उसके अंदर MP4 फॉर्मेट आ रहा है, तो आप उसको MP4 रहने देना है, या फिर आप DAV भी रहने दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना हो सर्च पे, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके वीडियो क्लिप है वो आप टाइम देख पा रहे होगे यहाँ पे, अगर भाई इस डेट की 1 बज के इतने मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग है ये है। अगर आप यहाँ से प्ले करके देखना चाहो, जैसे प्ले पे क्लिक करोगे भाई मेरी एक्चुअल में जो हमने सेलेक्ट की वही रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके आप देख भी सकते हैं अगर भाई हाँ वास्तव में ये मेरी वही रिकॉर्डिंग है। अगर आपको चेंजमेंट लगता है तो यहाँ पे आप समय का चेंजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली बैकअप पे क्लिक करना है, तो जैसे बैकअप पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आपका जो टाइमर थोड़ा चल जाएगा कुछ सेकंड में जो समय लेने वाला है आपका, तो इस प्रकार से आपकी जो पेन ड्राइव है उसका बैकअप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैकअप आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है सामने आपके कि यहाँ पे इस चीज का तो आपने बैकअप ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 5 नंबर कैमरे या फिर 2-3 नंबर कैमरे की रिकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊंगा तो ठीक है, टाइम डेट हम एक्चुअल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चेंजमेंट करो, कोई भी डेट वगैरह कोई भी चेंजमेंट करो, और जिस भी एक एक्स्ट्रा डेट की निकालनी है तो सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पे सर्च पे क्लिक नहीं करोगे जो आपने चेंजमेंट की है वो यहाँ पे सर्च नहीं होंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वापस से इसको बैकअप पे क्लिक करके इस डेट की भी आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है, सिंपली इस पेन ड्राइव को आप निकाल सकते हो और किसी भी डिवाइस में लगा के इसको रन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके रिकॉर्डिंग जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।